हेलो दोस्तों, रील टॉक में आपको स्वागत है। जिंदगी की दौड़ में बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, लेकिन इस सब के दौरान बस हमारे रिश्ते और हमारी फैमिली हमेशा हमारे साथ रहते हैं। शुरुआत में जब हीरो का पिता उसे यह नसीहत देता है, तभी इस फिल्म की थीम एक फैमिली मैन सुपरहीरो के तौर पर तय हो जाती है। कोविड के बाद खुले सिनेमाघरों में डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU के हीरोज की फिल्में लगातार रिलीज हो रही हैं। बीते साल ब्लैक एडम के बाद इस शजाम और फ्लैश की फिल्में सिनेमाघरों में आ चुकी हैं। इसी कड़ी में डीसी ने अपने नए सुपरहीरो ब्लू बीटल को पेश किया है। ब्लू बीटल के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को देखने सुबह के शोज में भी खासे दर्शक पहुंचे हुए थे। यह मूवी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे उसके परिवार ने आर्थिक परेशानी के बावजूद पढ़ने भेजा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह लौटकर आता है तो उसे पता लगता है कि किराया 3 गुना हो जाने के चलते उन्हें घर खाली करना होगा। उसके पिता की दुकान पहले ही बिक चुकी है। उसके परिवार में माता पिता के अलावा छोटी बहन, दादी और एक चाचा भी हैं। उन सब की मदद की खातिर वह जॉब की तलाश करता है। इस दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि एक बड़ी कंपनी की मालकिन है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वह लड़का एक सुपरहीरो ब्लू बीटल में तब्दील हो जाता है। लड़की की कंपनी पर जबरन कब्जा कर लेने वाली उसकी फैमिली मेंबर लड़के से उसकी शक्ति छीनना चाहती है। उसे काबू करने के लिए वह उसकी फैमिली पर निशाना साधती है। क्या ब्लू बीटल अपनी फैमिली को बचा पाता है? यह आपको सिनेमाघर जाकर पता लगेगा। अमूमन सुपरहीरोज अपनी कम और दुनिया की फिक्र ज्यादा करते हैं, लेकिन डीसी का यह नया सुपरहीरो ब्लू बीटल इस मामले में एकदम अनोखा है। करीब 2 घंटे की यह फिल्म आपको शुरुआत से ही इमोशन और एक्शन से भरपूर सफर पर ले जाती है और एक दिलचस्प मोड़ पर खत्म होती है। फिल्म देखते वक्त कई बार आपको मूवी वैनम की भी याद आती है। अगर आपको सुपरहीरो फिल्में देखना पसंद है तो इस हफ्ते पूरी फैमिली के साथ इस परिवार वाले सुपरहीरो से मिलने का मौका मिस मत कीजिए। यदि आपको वीडियो रिव्यू अच्छा लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।